वेलकम माय करियर टिप्स यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल स्वागत है। मैं बताऊंगा आपको कैसे आप किसी मंडी में कमीशन एजेंट बन सकते हैं किसी भी कंपनी का जो कि कम्युनिटी में व्यापार करती है, ट्रेड करती है, जैसे कहते हैं गल्ला व्यापारी जो होते हैं वो कमीशन एजेंट बन सकते हैं। जैसे आप मंडी में लाइसेंस लेके कम्युनिटी परचेस कर रहे हैं, कोई भी गेहूँ खरीद रहे हैं, वीट खरीद रहे हैं, सोयाबीन खरीद रहे हैं, चना खरीद रहे हैं, डॉलर चना खरीद रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कम्युनिटी रहती हैं, दालें खरीद रहे हैं, पल्सेस खरीद रहे हैं, तो आप परचेस कर रहे हैं। ऐसे में आप किसी कंपनी के चाहते हैं कि हम किसी कंपनी को ख़रीद के दें, और उसमें क्या होता है कि हर कंपनी किसी ना किसी वेंडर से, ट्रेडर से गल्ला खरीदती है, क्रॉप खरीदती है, जो भी फसल मंडी में आती है, तो वो क्या करती है कि अपना एक कमीशन एजेंट वहाँ पर अपॉइंट करती है। मतलब उसके वो जो कमीशन एजेंट है कुछ परसेंट पे लेके 1%, 1.5%, 2%, जो भी मार्जिन रहता है उस मार्जिन पे परसेंट का ये नहीं रहता फिक्स, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, तो जितना प्रतिशत उसको कमीशन देना है उस बेस पे उसको रखते हैं, और वो कंपनी के लिए उतना ट्रेडर व्यापारी कम्युनिटी, जैसे कि गेहूं हुआ, सोयाबीन हुआ, दालें हुई, ये खरीद के वो कंपनी को देता है। उसका जैसे कि उसने 20 लाख का सोयाबीन खरीद के दिया, 30 लाख का सोयाबीन खरीद के दिया, या फिर 10 लाख का गेहूं खरीद के दिया, तो जो भी कंपनी, या चना खरीद के दिया 40 लाख का, 30 लाख का, 20 लाख का, जो भी कंपनी के लिए वो खरीद के देता है उसको, उसमें उसका कुछ परसेंटेज निर्धारित रहता है। ऐसा एक मंडी में आपको कई व्यापारी, तो ट्रेडर जो होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर जो होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी जो होते हैं, एक एक कंपनी का, एक एक ट्रेडर के पास तीन तीन चार चार कंपनियों का कमीशन एजेंट, मतलब एज अ कमीशन वो उनको परचेस करके देते हैं कम्युनिटी। तो ये डिपेंड करता है हर मंडियों में कई कम, और ये बहुत कुछ डिपेंड करता है, जो ट्रेडर वेंडर रहता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी स्ट्रांग होती है, तभी वो दो तीन तीन चार चार कंपनी की एज अ कमीशन बेस पे परचेस करके और कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। तो ये कैपेबिलिटी भी रहती है, उसकी क्षमता भी रहती है, मंडी में उसका वर्क भी डिपेंड करता है, कितना उसकी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है उसकी मंडी में परचेस करने की, क्या पोजीशन है, क्या रेपुटेशन है, उसकी रेपुटेशन भी अच्छी होना चाहिए। अगर आप कमीशन एजेंट बनना भी चाहते हैं किसी कंपनी का कि हम एक बड़ी कंपनी का कम्युनिटी खरीद के उसको दें, और कमीशन एजेंट बनना भी चाहते हैं, इसमें आपकी रेपुटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, और तभी आपको क्या कंपनी कमीशन एजेंट के तौर पर आपसे काम ले सकती है, आपको दे सकती है, आपको कह सकती है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसी के थ्रू खरीदती हैं, क्योंकि उनकी जो पूर्तियां हैं, उनकी जो डिमांड है, वो किसी ना किसी ट्रेडर के थ्रू ही वो फुलफिल करती हैं, और वो एक जगह में, जैसे एक स्टेट्स में जितनी भी मंडियां होंगी, लगभग अधिकतर जगह उनके कमीशन एजेंट होते हैं। तो कभी क्या होता है कि कहीं कम रेट में, कहीं ज़्यादा रेट में, तो कहीं कम मिलता है तो कहीं ज़्यादा मिलता है, कहीं बार ऐसा होता है कि उतनी अराइवल ही नहीं होती है तो कंपनी खरीद पाए कम्युनिटी, तो क्या होता है कि वो, और दूसरा उतना ही जो कमीशन एजेंट जो कमीशन पे बेस पर परचेस करके देते हैं मंडी में, उतना ही उनको नॉलेज भी होता, उतनी गहराई भी होती, उनके समाधान भी करके देते हैं वो मंडी से जुड़े हुए कार्य, कंपनी के जो मंडी से जुड़े हुए कार्य हैं वो कमीशन एजेंट करके भी देते हैं। मतलब फुल ऑफ रेस्पॉन्सिबल, मंडी रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी शॉर्ट आउट करके वो कमीशन एजेंट देते हैं, और कंपनी को वो परचेस करके देते हैं उस बिहाफ में। उनका कमीशन कुछ निर्धारित, कुछ फिक्स, कुछ पर रहता है जो कि उनको उसमें बिहाफ में, और इसी बेस पे वेंडर्स बहुत अच्छा खासा माल खरीद के कंपनी को देते हैं क्योंकि उनके परचेसर मौजूद रहते हैं। तो और उसमें कंपनी का कर्मचारी भी रहता है जो कि देखता है कि भाई ये ऑनेस्टी के साथ
हमारा कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, समय समय पर विजिट करता है और बिहाफ में चेक करके उसको डिस्पैच करता है। उसमें पूरी तरह हॉनेस्टी की ज़रूरत पड़ती है, ईमानदारी के साथ कंपनी को डील करने की। और कंपनी भी ब्रांड होना चाहिए, मतलब कंपनी भी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी होना चाहिए इस बिहाफ में काम लेने के लिए। तो आप अगर ऐसे काम मंडी कमीशन एजेंट ऐसे काम करना चाहते हैं किसी भी कंपनी का, तो मेरा उद्देश्य था कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी देना कि कैसे कंपनी का किसी भी कंपनी का काम लेते हैं कमीशन एजेंट मंडी में, जो कि उनको गल्ला खरीद के ट्रेड व्यापार करके देते हैं। और तो मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। और भी आप जानकारी ले सकते हैं कैसे मंडी का कमीशन एजेंट बन सकते हैं और उसमें क्या क्या प्रोसेस है, उसके पूरी प्रोसेस भी फॉलो करना पड़ता है, और क्या प्रोसेस है वो आप पता कर सकते हैं। जिस कंपनी का लेंगे सबकी अलग अलग प्रोसेस रहती है, सब कंपनियों की। तो अपनी अपनी प्रोसेस आप जिस कंपनी की लेना चाहते हैं प्रोसेस पता करें। तो मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।